नमस्कार। माँ की ममता, माँ की ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का। माँ की ममता फूल की खुशबू, बच्चे की मुस्कान का। सिर्फ सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। किसी पेड़ के नीचे आकर, किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे किस मजहब से तेरा नाता है। धूप गुनगुनाहट देती है चाहे जिसका भी आंगन हो, जो भी प्यासा आ जाता है पानी प्यास बुझाता है। मिट्टी फसल उगाए पूछे ना धर्म किसी इंसान का। सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है एक सच्चे इंसान का, हर सच्चे इंसान का। नमस्कार दोस्तों, ये खूबसूरत जो कविता है मेरे दिल के बहुत करीब है ये कविता, और जब कुछ खास प्रोग्राम होता है मैं इस कविता को जरूर पढ़ती हूँ। और कि आज जो इस कविता को लिखने वाले हमारे सर एक कवि हैं, जाने माने कवि हैं, इस एमिनेंट पोएट, और वो क्या नहीं है, वो आज हमारे साथ है। लेकिन उनका तारुफ देने से पहले एक कविता और मैं पढ़ना चाहूंगी, और वो कविता इसलिए पढ़ना चाहूंगी क्योंकि वो वाकई खुद में ऐसे ही इंसान है। वो ऐसे ही इंसान है, उनके साथ जितने भी लोग चले हैं उनको अपने साथ लेकर चले। हर किसी को उन्होंने रोशनी की किरण दिखाई है, अपने साथ लेकर चले हैं, इंस्पिरेशन दी है, एज ए मेंटोर, एज ए गाइड उनके साथ रही है, क्योंकि मुझे उनका सानिध्य मिला है। और ये चीज मैं बिल्कुल फख्र के साथ कह सकती हूँ कि मुझे उन्होंने एक रास्ता दिखाया, हमेशा एक इंस्पायर किया है, हमेशा अच्छा काम करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए। ही हैज बीन ऑलवेज देयर। और जो ये कविता मैं उनकी लिखी हुई जो लाइन्स पढ़ रही हूँ ये बिल्कुल वही है, और बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। टूटते लोगों को नई उम्मीद देते हुए, टूटते लोगों को नई उम्मीद देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। कितनी गहरी बात है इस कविता में, कितनी खूबसूरत कविता है। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज इस वक्त जो खास, बेहद खास शख्सियत हमारे साथ है, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बट वी आर प्रिविलेज्ड कि आज वो हमारे साथ इस मंच पर हैं। जाने माने गजलकार, कवि, ब्रॉडकास्टर हैं, जाने माने कमेंटेटर हैं, एंड ही इज एक्स डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रॉडकास्ट, जो आकाशवाणी के, जो जो आकाशवाणी है हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, उसके एक्स डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे उनकी शख्सियतों के, बहुत सारे उनके जो मरहले हैं, बहुत सारी बातें उन पर बात करेंगे हम। बहुत 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 स्वागत मैं करती हूँ, आज हमारे साथ है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं सर इसलिए नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है, और आपने मुझे हमेशा एक इतना, जब मैं नई नई दिल्ली आई थी आपने मुझे इतना गाइड किया, और आज आपसे बात करते हुए मैं सच में बहुत नर्वस हो रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो, तुमने जब ये बात लिखी थी व्हाट्सएप पे, तो मैंने तब भी यही लिखा था। मैं फिर वही सबके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, मैं तो एक गांव से आया, बहुत ही आज की तारीख में दिल्ली इतने साल रहने के बावजूद मैं बेहद मैंने देहाती गंवार किस्म का आदमी हूँ, तो सीधा साधा। तो आप बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, और हम एक ही परिवार के लोग हैं, ब्रॉडकास्टिंग परिवार के हैं, इसलिए भी कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा ये पटल बहुत प्रतिष्ठित पटल है, और तुमने जब सूची भेजी थी वो बहुत, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस पटल पे आई हैं, तो और उनको तुमने इंटरव्यू किया, तुम खुद इतनी बड़ी कलाकार हो थिएटर के, हमें गर्व होता है सच में। और तब भी होता था जब तुम हम ऑफिस में थे रिटायरमेंट से पहले, तब भी फख्र होता था कि भाई हमारे मतलब मुझे तो यही लगता था कि हमारे जो स्टाफ में जो भी है, जो वो मतलब अगर वो कोई उर्दू प्रोग्राम देख रहा है तो उसको उर्दू वाले आमंत्रित करेंगे, उसने इतना अच्छा काम किया भाई हमारे। तो मुझे तो हमारा वही हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग अगर नाम करते हैं तो आकाशवाणी का नाम रोशन होता है, सबका नाम रोशन होता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सच में दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ इतने एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनके नाम ले लूँ सर, फिर आपसे जो हमारा सिलसिला वो जारी रहेगा। हमारे साथ सर शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं, जाने माने मीडिया कर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं वो। ममता किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जानी मानी ब्रॉडकास्टर हैं और इमिनेंट पॉइंट हैं। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं
बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, इट हैज ऑलवेज बीन ए प्रेशर टू मीट यू एंड वर्क विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन शर्मा जी। मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं, नृत्यांगना हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। ही इज एन इंस्पिरेशन एंड टेक्स पीपल अलोंग वे। सैल्यूट। वाकई मालविका जी जो सर हैं, वाकई ही इज एन इंस्पिरेशन एंड ही टेक्स पीपल ए लॉन्ग वे। इस चीज का जीता जागता जो एग्जाम्पल मैं हूँ, सर ने मुझे बिल्कुल हाथ पकड़ के चलना सिखाया जब मैं दिल्ली में नहीं थी। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। रिट्स लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। भारती रैना जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस है जम्मू कश्मीर की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भीम प्रकाश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, एमिनेंट ब्रॉडकास्टर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मीना खरे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर, हमारे आकाशवाणी परिवार का हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया रैना हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर मेरा जो पहला सवाल जो मैं सभी सेलिब्रिटीज हमारे यहाँ आती हैं उनसे पूछती हूँ, क्योंकि इस शो का मकसद। जी सर, पहला सवाल करो उससे पहले जब हम उदाहरण देते हैं ना कुटेश, जो है मेरी जो कविताएं हैं उसमें जो टूट फूट हुई उसकी मरम्मत कर दूं थोड़ी सी। जी 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 सर बिल्कुल। तो एक तो वो था कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है, पेड़ नहीं पूछे किस मजहब से तेरा दाता है। धूप गुनगुनाहट देती है चाहे जिसका आंगन हो, जो भी प्यासा आ जाता है पानी प्यास बुझाता है। मिट्टी फसल उगाए पूछे धर्म न किसी किसान का, सिर्फ मोहब्बत ही मजहब है हर सच्चे इंसान का। तो एक तो ये बहुत हो गया खूबसूरत। जी जी। सर, और जी जो सर। दूसरा आपने कोट किया था वो यूं है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नहीं देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। क्या जी, बात सर, इतना खूबसूरत सर, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। इट्स सो प्रोफाउंड, इट्स सो प्रोफाउंड। हमारे साथ मनोज शर्मा जी जुड़े हैं, जाने माने रंगकर्मी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एस्टीम व्यूअर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता लिखती है, वाह क्या बात है। तो मेरा जो पहला सवाल होगा, क्योंकि जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए कि उनको एक इंस्पिरेशन मिले, आजकल जो मायूसी भरा आलम है, लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, तो उसे युवा जो परफॉर्मर्स है उनको थोड़ा सा ज्यादा इस चीज ने अफेक्ट किया है। तो जो हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आती है उनकी लाइफ की इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी है कि उससे सभी मुतासिर होते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही होगा सर कि जो आपकी आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, मैं चाहूंगी हम भी उससे रूबरू हूँ, हम भी इसका हिस्सा बने। जी, देखिए यह है कि मतलब मेरे 7 पीढ़ियों में कोई कवि तो नहीं था, पक्की बात है। तो मेरे लिए रास्ता बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल रास्ता था। लेकिन वो बिल्कुल सच बात है जो कहते हैं कि जहां चाह वहां रहा वाली बात। और ईश्वर, जी मैं जी नहीं मानता कि बिल्कुल मैं कुछ लिख ले। अभी जब तुम सुना रही थी मेरी पंक्तियां तो मुझे लग रहा अच्छा ये मैंने लिखी है। मतलब जो भी है वो सब ईश्वर की देन है, मैं मानता हूं, मेरा कुछ भी नहीं उसमें। सर। तो सर एक चीज मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि 26 जनवरी मैंने कई बार जो कमेंट्री की है, मैंने ये कविताएं जरूर पढ़ी है, और हर हर कमेंट्री में मैंने ये पढ़ी है, ये मेरी फेवरेट है। थैंक धन्यवाद, थैंक यू। तो यू सर, थैंक यू। जी, तो बस ये है कि मतलब मैं बहुत भावुक बहुत था बचपन से। चीजें बहुत मुझे जरा जरा सी बात मुझे जो है परेशान करती थी, अभी भी करती है, मैं कोई बदल नहीं गया हूं। आज भी कहीं कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए पूरे भारत में, तो मेरा दिन जो है खराब हो जाता है ईमानदारी से। तो मतलब ये चीजें बताने की नहीं होती है, लेकिन अब जैसे अभी जो माहौल चल रहा है कि कब किसको देशद्रोही बता दिया जाए, मेरे खिलाफ भी बड़ी पोस्ट वोस्ट किसी ने ऐसे ऐसे डाल दी लोगों ने। तो अब होता क्या है, जैसे गलवान घाटी में जो कुछ हुआ पिछली साल, तो देखिए संयोग से, बस वैसे ही बता, भावुकता वाली बात बता रही, चीजें बताने की नहीं होती भी एक्चुअली सच पूछे तो। लेकिन फिर भी कि उस दिन इत्तेफाकन जो है ना 16 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है, लेकिन हमने क्या होता फील करने की बात है, उस दिन मेरे घर में ना तो नाश्ता बना है, ना लंच हुआ है, ना डिनर बना है पूरे दिन एनिवर्सरी का, क्योंकि मन खराब था जिसका, जो किसी हुआ तो चाय पी ली, कुछ कर लिया। तो ये एक मतलब वो बचपन से मेरे साथ रहा है कि बहुत तो चीजों को महसूस करना। तो वो तुकबंदी से सिलसिला शुरू हुआ जब मैं कक्षा 9 में था, बात आई गई होगी 71 में भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ, तो सभी मतलब उस वक्त तो देशभक्ति का ज्वार उमड़ता है।
तो कुछ हो गया, बात आती गई। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ करीब करीब 1973, 1973 से शुरू हुआ, और मेरी रुचि जो है ना वो इस तरफ बढ़ने लगी। और वो दिन भी थोड़े बहुत कष्टदायक दिन रहे, मतलब 1975 तक करीब करीब बहुत। और तो वो कविता मेरे साथ जुड़ती रही। फिर मेरे पड़ोस में वो एक बहुत अच्छे कवि थे, मतलब उनके ससुराल थे मेरे ठीक पड़ोस में, उनको खबर लगी तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। वो सुमन दुबे जी बहुत बड़े कवि थे, और फिर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। एक कानपुर में थे सारंग त्रिपाठी जी, वो उन्होंने मुझे बहुत मंच वगैरह पे ले वो लेके गए। एक थे वहां पर ये धर्मपाल अवस्थी कानपुर में ही, बड़े कवि थे वो भी। इन त्रिमूर्ति जो है इन्होंने मुझे आगे जो है बढ़ाया, और बस फिर वो व्यंग से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर वो एक रास्ता मिल गया तो वो फिर आज तक चला जा रहा है। जी जी, तो सर हमारे साथ कुसुम धर जी जुड़ी हैं, जम्मू जम्मू कश्मीर से, एक जानी मानी कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, थिएटर्स है, फिल्मों में काम करती हैं रीजनल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीरो आडवाणी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। हिम्मत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंग कर्मी है, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, क्या बुलंद आवाज है वाजपेयी सर आपकी, वाकई इतनी खूबसूरत आवाज है सर की, हम सभी तो सर की आवाज के फैन है। बहुत भारती रैना जी लिखती है भारती रैना जी लिखती है, आर्टिस्ट होते ही इमोशनल है। बिल्कुल सही कहा आपने भारती जी, आर्टिस्ट होते ही इमोशनल है। तो सर आपने जो पहली कविता लिखी, उससे जुड़ा कोई अनुभव, उससे जुड़ी कोई बात आप अगर शेयर करना चाहें हमसे, पहली कविता। वो हाँ, देखिए क्या हुआ कि वो जब हिंदी को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जी और ये 68 की बात है, 1968। और मैं जी हिंदी से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ, आज भी वही है। हिंदी मेरे जीवन का एक सरोकार है, कि हिंदी को उसका जो सम्मान जिसको मिलना चाहिए वो मिले। अंग्रेजी हमारे देश में एक हमारी मजबूरी है कि वो रहेगी, हायर एजुकेशन में रहेगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाते रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन में मजबूरी है कि है, तो वो एक जी अलग बात है। लेकिन हिंदी को उसका सम्मान जो मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसकी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं, भारत को छोड़ के मेरे संज्ञान में तो नहीं है कोई। जी तो वो एक रहा मेरे, तो वो जब आंदोलन हुआ उसमें लाठियां भी चली, उसमें गोलियां भी चली, उसने मुझे बहुत दुखी किया। तो मैंने वो क्या होता, धर्मयुग आता था, बहुत मशहूर पत्रिका जी थी, जी जी उसमें कुंडलियां छपा करती थी, तो मुझे वही थोड़ा आसान लगा कि अच्छा पहले दोहा लिखते हैं, फिर दोहे की लाइन को इधर ले जाते हैं, तो फिर ऐसे, तो थोड़ा स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा। तो मैंने वो कुंडलिया की शक्ल में 5-6 कुंडलियां थी, और वो क्या थी, बचकानी कविता थी, तुकबंदी मान लीजिए, और क्या है मतलब, वो व्यंग में थी, गंगा में डूबत नहीं ये अंग्रेजी भक्त, और अंग्रेजी पर हो गए हैं ये सब आसक्त वगैरह वगैरह। तो गुड मॉर्निंग और टाटा से भी करके, टाटा करो नित्य के जीवन में इंग्लिश का घाटा। अब वो मैं वो उस मैंने कुंडलियां पढ़ते काका अथर सिंह की, उसकी उसकी निकले करते थे, तो मुझे वो आसान लगता था, वो बचकानी सी कुंडलियां थी। तो ये बात है कक्षा 9 की, पहली कविता तो यही जी थी, हालांकि वो कॉलेज की, वो हमारे कॉलेज की पत्रिका में वो छपी थी। जी। जी जी सर हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी हैं, लिखती हैं, इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू मीट यू एंड वर्क विथ यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी, एक जाना माना नाम आकाशवाणी के नाटकों में, दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम। अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, आपने जरूर बहुत सारे सोलो एक्ट किए होंगे। रजनीश बग्गा जी हमारे साथ जुड़े हैं जलंधर से, बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से उनका गहरा नाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी आपको नमस्कार लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयनारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणाम लिखते हैं आपको। रजनीश बग्गा जी लिखते हैं, जबरदस्त सर, क्या बात कर रहे हैं आप, वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना प्रभाकर जी लिखती हैं, वाजपेयी जी को सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया। तो सर मैं बातों का सिलसिला आगे करूंगी, लेकिन जब हमारे सामने इतने महान कवि बैठे हैं तो मैं चाहूंगी सर जरूर कुछ जरूर सुनाए हमको थोड़ा सा। अशोक भौमिक जी भी कह रहे हैं कि जरूर कुछ सुनाए हमको आप अपना। जी। तो एक मैं आपको अब यहां पर ये संकट आ जाता कि क्या सुनाएं। सौ से ज्यादा गजलों में से कौन सी गजल चुनी जाए, तो ये खैर चलिए,
यहां से ये गजल सुन लीजिए कि जी सर। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए। अब आपने बात उस तरह की कि उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए, जैसे वाह, अनमोल विरासत कोई विरासत। हिस्से आए। और शेर ये है कि ऐसी बस्ती की अंधेरा ही अंधेरा था वहां, ऐसी बस्ती की अंधेरा ही अंधेरा था वहां, रोशनी देने में सूरज को पसीने आए। कि रोशनी देने में सूरज को क्या पसीने बात, आए। और शेर ये है, जो कलाकारों की जिंदगी या उसूलों पे चलने वालों की जिंदगी, भारत में ईमानदार लोगों की जिंदगी, तो समाज सेवकों की जिंदगी, वो सुनिएगा कि जी सर। उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, उम्र क्या भर बात, धूप में तपना ही रही मजबूरी, चांद की मजबूरी। ओर से यूं तो कई न्योते आए। कि वाह, चांद की ओर से यूं तो कई न्योते आए और मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए। अब देखिए आज का परिदृश्य उसको भी याद कर लीजिए, ऐसे ही होता है। जो लोग समाज के लिए मरते खपते हैं उनको क्या मिलता है? जेल मिलती है, यातनाएं मिलती हैं, बदनामी मिलती है, क्या मिलता है? कि उम्र भर मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, तब कहीं जाके ये थोड़े से उजाले आए, तब क्या कहीं बात, जाके ये थोड़े से उजाले आए। वाह, और शेर ये है कि फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, फिर नए रूप में बहुरूपिये छलने आए। कि फिर क्या नए बात। रूप में बहुरूपिये छलने आए, और फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके, फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके, फिर से दानों के लिए भूखे परिंदे आए। कि फिर से क्या दानों बात, के लिए भूखे परिंदे आए। और शेर ये है कि उसके बर्ताव का कुछ लहजा ही बदला से मिला, उसके बर्ताव का कुछ लहजा ही बदला से मिला, थोड़ा रुतबा जो बढ़ा हाथ में पैसे आए, थोड़ा रुतबा जो बढ़ा हाथ में पैसे आए। और गजल का आखिरी शेर ये है कि नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, कि नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, काश वो लोरियां गा गा के सुलाने आए, काश वो लोरियां गा गा के सुलाने आए। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए जैसे अनमोल विरासत कोई इससे आए। जी बहुत बहुत क्या बात, शुक्रिया। क्या बात सर, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। जगजीत सलीम जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से लिखते हैं, रंगकर्मी हैं, जाने माने लिखते हैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत। रजीश बग्गा जी लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है सर। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, अति उत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो बादवानी जी लिखती हैं, बहुत सुंदर। अशोक भौमिक जी लिखते हैं, क्या बात, हमें बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। भारती रैना जी लिखती हैं, वाह क्या बात है। सर आपने बहुत सारे कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया, लेकिन पहला कवि सम्मेलन आपका और उससे जुड़ी कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहें? जी देखिए, जो मैं बड़ा, हाँ वैसे देखिए, जैसे जब मैंने शुरुआत जैसे बताई तो छोटी 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 गोष्ठियों में जाना शुरू होता रहा, और कवि सम्मेलनों में भी जाना हुआ, लेकिन वो शहर के भीतर भीतर कवि सम्मेलन में जाना हुआ। इत्तफाक जी ये है कि जो मेरा पहला ही बड़ा कवि सम्मेलन, और कानपुर से बाहर जो कवि सम्मेलन था, वो एक बहुत बड़ा, मेरे जीवन भर के लिए वो बहुत बड़ी यादगार बन गया, एक मतलब आदर्श बन गया। वो कैसे बना वो मैं आपसे साझा करता हूं। और वो यूं कि आप सोचिए कि जब मुझे कहा गया कि कानपुर से बाहर जाना है, वो कवि सम्मेलन था, इमरजेंसी लगी हुई थी, पूरे देश में ओ इमरजेंसी थी, भारत के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके ही गांव में, नहीं, शीला दीक्षित के ससुर जी की बात कर रहा हूँ, उमाशंकर दीक्षित, जी। वो उन्नाव में उगु गांव है, वहां के वो थे, वहां कवि सम्मेलन था। तो मुझसे जब ये कहा वही सुमन दुबे जी ने कि तुम्हें चलना है कानपुर, वहां चलना है, मेरे मन में आया कि कानपुर से हम कविता सुनाने वहां जाएंगे, वहां क्या कवि नहीं होते? तो मुझे मतलब ये भी नहीं पता बाहर बाहर जाते हैं कानपुर कवि सम्मेलन इस तरह से। तो फिर ठीक है, चला गया। अब आप ये सोचो कि वहां पे कितने तो भारत के केंद्रीय मंत्री थे वहां पे,
और कितने वहां सैकड़ों में सांसद थे, पूरा उत्तर प्रदेश का कैबिनेट वहां पे कितने विधायक रहे होंगे मुझे अंदाजा नहीं। और मैंने वो उम्र अलग होती है, जोश अलग होता है, इमरजेंसी के मैं सख्त खिलाफ था और जेपी आंदोलन से उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ मन से और किसी तरह इस तरह जुड़ा ही था। तो मैंने व्यवस्था विरोधी कविताएं सुनाई, बहुत धुआंधार, मतलब मुझे वहां पे प्यार मिला, ऑडियंस हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़। और वो जमाना बहुत दूसरा, मैं बात कर रहा हूँ 1976 की या 75 की, मैंने जून के बाद या तो दिसंबर के आसपास होगा, घनघोर इमरजेंसी चल रही थी। तो ये सोचिए आप, हजारों की भीड़, और तो पहला चक्र हो गया, मुझे ये भी नहीं पता था। अब वो मैं तो अपना सुना के बड़े इत्मीनान से, और मुझे तो नींद नींद आ गई, झपकी सी आ गई। अब जब सेकंड राउंड है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भी सेकंड राउंड होना, फिर कविता सुनानी है। तो जब वो सेकंड राउंड में फिर मेरा नाम पुकारा गया, तो मुझे झपकी आ गई। तो सुमन दुबे जी ने कहा, अरे तुम्हारा नाम बुलाया जा रहा है, जाओ जाओ जाओ। मैं एकदम से मतलब वो नींद से जागा और जाके माइक पर जब खड़ा हुआ, आप सोचिए वो जीवन भर के लिए मेरी प्रेरणा बन गई। वाह, जैसे ही मैं माइक पे खड़ा हुआ हूं जाकर के, भीड़ ने बेतहाशा तालियां बजाई और वो तालियां बजती ही रही क्या एक डेढ़ बात, मिनट क्या तक। तो बात, क्या जब बात, भी मैं मतलब सरकारी तंत्र में गेस्टेड अफसर रहते हुए भी, जब भी कहीं भी, मतलब वो तालियां मेरे लिए हमेशा मुझे राह दिखाती रही। जो क्या हो बात, जाए, कविता को मैं कोई समझौता नहीं करना है। तो वो इसलिए बहुत याद। अच्छा सुनिए, वो भी देखिए, महसूस करिए, इतने सारे लोग वहां पर थे, सारे मंत्री थे, होम मिनिस्टर खुद बैठे थे। जी मजाल है कि किसी ने कोई नकारात्मक टिप्पणी की हो, किसी ने टोका जी टाकी की हो, उतना ही प्यार मिला, उतना ही सम्मान मिला, सब सबसे सम्मान मिला बहुत, क्योंकि मैं बिल्कुल युवा था, तो सबसे शाबाशी ही मिली। ये भले कि उनके खिलाफ, मैंने खिलाफ मतलब क्या है, मैं किसी ना तो किसी दल के खिलाफ बोल रहा हूं, ना मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा हूं। जो मुझे गलत लगता है व्यवस्था के खिलाफ, वो मैं बोलता हूं, बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा मरते दम तक। यही एक क्या सच्चे बात, कवि का कर्तव्य है, और उससे मैं हिला डुला नहीं। अभी ये दौर बड़ा अजीब सा है, आप जरा सा कोई सवाल कर दें, आप कविता सुनाने में भी, तो वो पता नहीं कब आपको देशद्रोही बना दिया जाए, कब कोई ट्रॉल करने लगे। ये दौर बड़ा, ये भयानक है। इमरजेंसी तो मैंने खूब धुआंधार, उसके बाद तो मैं पूरे देश में कहां कहां गया हूं, हजारों की भीड़ में ऐसे इसी तरह इमरजेंसी के खिलाफ कविताएं सुनाई है। दूसरे दिन मैं ही नहीं, मतलब मेरे साथ बहुत बड़े कई सारे लोग, चाहे नीरज जी हो, कोई हो, किसके किसके नाम लो, सब ऐसे ही सुनाते रहे। और हम दूसरे दिन अखबारों में निकलता था फ्रंट पेज पे, कवि सम्मेलन में आपातकाल की धज्जियां उड़ाई गई, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वो, लेकिन वो हाँ बड़ा प्रेरणादायी था, पहला कवि सम्मेलन। जी वाकई वाकई। हमारे साथ सुमन डोंगा जी जुड़ी हैं, मीडिया कर्मी हैं, स्पीक मैगज़ीन से जुड़ी हैं, लिखती हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी सर। प्रोफेसर जयदीप सिंह जी जुड़े हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं, लिखते हैं, प्लेजर टू लिसन वाजपेयी जी, प्रणाम। कुसुमधर जी लिखती हैं, वी आर प्राउड ऑफ सच पर्सनैलिटी, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी लिखती हैं कि आपको सुनना सदैव सुखद रहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन डोंगा जी कहती हैं, काजल थैंक यू कि वाजपेयी सर आज हमारे साथ हैं। आई एम रियली प्रिविलेज कि वाजपेयी सर हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ है कि बहुत ही प्रिविलेज फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप सभी एस्टीम्ड व्यूअर्स का। सर आप यू आर द ओनली इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल जो वेनेजुएला में हुआ था 2013 में, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या हम कुछ जानना चाहते हैं, आपके अनुभव कैसा रहा, तो हम जरूर चाहेंगे आप उसके बारे में बताएं हमें। वेनेजुएला जो है वो तो एक पूरा प्रोग्राम वेनेजुएला पे हो सकता है, इतना कुछ है वहां से हाँ, मिला है। मैं बहुत दो चार बातें आपसे जरूर साझा करूंगा, बहुत जी तरह हम के सुनना अनुभव था। चाहेंगे, हम सुनना जी चाहेंगे जी सर। जी 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 बिल्कुल। तो एक अनुभव तो ये था कि जैसे हम सब के साथ यही होता है, क्योंकि यहाँ भारत में तो अंग्रेजी, मुझे लगता है हमें अंग्रेजी आती तो हम पूरे विश्व विजेता सिकंदर महान हो गए पूरी दुनिया में कोई, लेकिन वहां जाके वो एक अनुभव तो यही सबसे बड़ा हुआ कि कई 50 कवि वहां थे, ठीक
ठीक है, पूरी दुनिया के 50 कवि थे, जी चार पांच कवि थे जो जैसे अमेरिका से, मेक्सिको, जहां अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, और बमुश्किल पांच कवि ऐसे होंगे जिनकी जिनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। जैसे जर्मन की कवित्री थी मेरी, बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, बहुत प्यार, बहुत अच्छी कवित्री, और उसको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, उसको अप्रूवल नहीं आता था, मतलब अप्रूवल क्या लफ्ज होता है, तो ऐसे मतलब, तो और वो ऐसे दो एक मतलब जैसे पता है ना पांच, बाकी आप ये 10 हटा दीजिए, बाकी जो 35-40 कवि थे उनको अंग्रेजी का आधा अक्षर भी नहीं आता था। एशिया से मेरे साथ कोरिया से कवित्री गई थी, तो उसको ये पता था कि हाँ कोई दुनिया में अंग्रेजी नाम की भी भाषा है, उसको नहीं कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं था अंग्रेजी से। और पूरे वेनेजुएला में मैं 10 दिन तक होटल के कमरे में एक तरह से कैदी बन के ही रहना पड़ा, क्योंकि मुझे एक वो दुभाषिया मिल गई थी, तो जहां कार्यक्रम होते थे तो वहां तो वो रहते थे इंटरप्रेट करने के लिए, बाकी मैं कहीं निकल नहीं सकता था। क्यों? कहीं भी अंग्रेजी का नामो निशान नहीं, सब कुछ स्पेनिश में, तो आप कैसे निकलोगे, कहाँ ट्रेन पकड़नी, बस पकड़नी, घूमने जाना, टैक्सी करनी, कुछ करना, तो कुछ नहीं कर सकते आप। और किसी के अगर पूछ तो इंग्लिश तो भड़क जाता था, जैसे मैंने कोई उसको गाली दे दी हो, क्योंकि वो स्पेनिश को बहुत अच्छा मानते अंग्रेजी से। ठीक है, एक अनुभव तो ये था कि जैसे कि मतलब वो हमें लगता था कि अंग्रेजी से ही दुनिया चल रही, नहीं, वही अनुभव मुझे रूस में मिला बाद में, कि वहां अंग्रेजी का नामो निशान नहीं, वही अनुभव पोलैंड में मिला, अंग्रेजी का कोई नामो निशान नहीं। तो ये जो हमारे दिमाग में भरा है कि अंग्रेजी से ही मतलब जो है बस वही सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सोचता रहा ये क्या चक्कर है, तो फिर वो मुझे समझ में आया कि ये जो अंग्रेजों के गुलाम देश है, 50 देश करीब है, कॉमनवेल्थ नेशन जो गेम्स खेलने वाले लोग हैं, इनको छोड़ दें तो दुनिया के 200 देशों में बाकी 150 जो देश हैं उनका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी सीख तो ये मिली। दूसरी सीख बड़ी अजीब सी वो मिली कि वहां पे मैंने जब पहला कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन कार्यक्रम, तो आप सोचिए इतनी लंबी लाइन वहां मैंने देखी, यानी 1 आध किलोमीटर तक की लंबी लाइन कविता के लिए, पूरा बहुत विशाल, जैसे हमारा ये है ना आपका सिरी फोर्ट, उससे भी जी बड़ा, उससे बड़ा, कम से कम 2,000 जी लोग होंगे उद्घाटन समारोह में। तो वाह एक तो वो कविता के लिए इतनी लगन, फिर वो जितने वहां कवि, वहां पर एक खास बात ये हुई कि जैसे फ्रांस का कवि आया, वो बाकायदा जी उसने ट्रैक ट्रैक लगाया, म्यूजिक का ट्रैक लगाया, फिर माइक लेके कविता उस तरह सुनाई जैसे माइकल जैक्सन गाना गाता था, आप सोचिए। और ऐसे ही फिलिस्तीन में जो कवित्री उसने किया, ऐसे दो तीन चार लोगों ने इस तरह का किया, म्यूजिक के साथ कविता चलाई। अब हाँ आप यहाँ भारत को देखिए जरा सा, अभी भारत में क्या हुआ है कि जो छंद मुक्त कविता है, ठीक है, जी तो जी उसको मेन स्ट्रीम की पोइट्री मान लीजिए, मैं भी लिखता हूँ छंद मुक्त कविता, बहुत अच्छी, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो गीत है, गजल है, जो लिरिकल पोइट्री है, उसको तो खारिज कर दिया गया हमारी हिंदी जी में। उर्दू में तो देखिए हमारे ज्ञानपीठ जिनको मिला है ना, वो उमराव जान के, उन्होंने गीत लिखा तो भी उनको ज्ञानपीठ मिला, उनको साहित्य अकेडमी मिला, निदा साहब को, सबको, उन्होंने फिल्मों में गाने लिखे उनको सबको, लेकिन हिंदी में अजीब है कि वो नीरज साहब खारिज हो गए, नीरज जी को साहित्य से बाहर कर दिया, क्योंकि वो फिल्म में लिख दिया गीत, और गीत गजल या जे भी है लिरिकल पोएट्री को ही बाहर कर दिया लिटरेचर से, पर खाली वो आप, तो ये भी एक विचित्र बात है कि वहां दुनिया के देश, वहां वेनेजुएला मैंने देखा, वह तो म्यूजिक के ट्रैक के साथ वो गा रहे हैं। एक बार ये भी देखी कि वहां पर अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो ऑर्केस्ट्रा रहता था, ऑर्केस्ट्रा पे कुछ गाने वाने हो गए, फिर कब पोइट्री हो गई थोड़ी सी, ऑर्केस्ट्रा पे गाने हो गए, फिर पोइट्री हो गई, छोटा प्रोग्राम है तो कोई गिटार विटार हो गया, एक आध जगह उन्होंने वो क्या होता है पेंटोमाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका सहारा लिया, थिएटर का सहारा लिया। तो मतलब कहने का मतलब, जो पोएट्री अकेले नहीं होती थी वहां पे, कहीं भी जगह जगह पोएट्री, मतलब यूनिवर्सिटी में पोएट्री, अरे वो जो स्लम्स में पोएट्री, बाजार में पोएट्री, जगह जगह पूरे देश में पोएट्री पोएट्री पोएट्री, लेकिन ये उसमें दिक्कत, लेकिन भारत में ऐसा होता है कि कई हजार लोग रात रात जाग के और कविताएं सुनते हैं, ये सिर्फ भारत में क्या बात होता सर, क्या है, बात सर, इतना अच्छा लगा ना मुझे ये बात सुन के। वाकई सर, भी बहुत वाकई
वाकई इसलिए उबे जोयला का जो अनुभव था वो सचमुच बहुत बहुत यादगार अनुभव था। और एक चीज और है, क्योंकि वो वहां मैं नहीं हूं, मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, वहां इंडिया का, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। जी मैं आपसे ये बिल्कुल भी वो भी एक छोटी सी बात साझा करूंगा। तो वहां पे ये जो उद्घाटन वाला प्रोग्राम था, वहां तो ये फ्रांस वाले जो कि ट्रैक वगैरह के साथ गए, तो मुझसे ज्यादा दाद ले गए थोड़ा सा, लेकिन बाकी पूरे 10 दिन जहां जहां भी समारोह हुए, दूसरे प्रांत में भी ले गए और अलग अलग जगह उन्होंने एक महिलाओं, मेरा जो प्रोग्राम अलग से रखा था एक्सक्लूसिव, वो एक दूसरे स्टेट में ले गए हमको। और वहां की जितनी वीमेन कवित्रियां थी, वीमेन राइटर्स थी, उनसे इंटरेक्ट कराया। जी तो वहां ये सबसे मतलब एक खास बात ये थी कि आप सोचिए कि जिस पर मतलब होना चाहिए कि हमारे 10 दिन इंडिया हमेशा जो भी रहा मेरे साथ में, इंडिया नंबर वन पे रहा। उसकी क्या वजह बात बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ, जी मतलब सर उसकी भी वजह है। वजह ये है कि मैंने दो कविताएं चुनी। मेरी जितनी सारी कविताएं हैं वो तो भारत के हिसाब से हैं, वो उसमें यही रोना धोना है, गरीबी, महंगाई, भुखमरी, फलाना ढिमका, सोशल, ये और जो वगैरह वगैरह। अब वहां तो ये सब नहीं चलेगा, तो मैंने वो दो कविताएं उसके लिए चुनी जो जिसमें इंटरनेशनल मतलब कहीं भी सुनाओ वो, तो जिसमें ह्यूमन उस तरह के वैल्यूज वाली बात है। तो दो कविताएं मैंने चुनी। एक कविता थी वे लोग, मेरी कविता बड़ी मशहूर है, वो बहुत वायरल वायरल हुई। और एक कविता थी साइन लैंग्वेज पे, संकेतों की भाषा। जी और वहां खास बात ये है जो आपको सुन के फिर अजीब वो लगेगा, वहां 24 घंटे जो टेलीविजन चैनल चलते हैं, 24 घंटे, ठीक है, यहाँ तो हम एक बुलेटिन करते हैं ना गूंगे बहरों के लिए, मूक बधिर के हाँ लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल साइन लैंग्वेज में करते लगता हमने बहुत महान कार्य कर लिया, ठीक है। वहां 24 जो भी चैनल चलता है एक विंडो बनी रहती है, और उसमें कंपलसरी है कि वो साइन लैंग्वेज में प्रोग्राम चलता रहता है। जितने प्रोग्राम वेनेजुएला में हुए, बड़े हों कि छोटे हों, एक स्क्रीन लगी रहती थी जिस पर साइमल्टेनियसली साइन लैंग्वेज में कविता वो चलता था, और मेरी कविता ही साइन लैंग्वेज में थी। तो जाहिर क्या है कि वहां बात बहुत बहुत दाद मिलती थी। तो मुझे तो सवाल भी किया वहां लोगों ने, एक दो जगह सवाल किया कि ये कविता कैसे मिली आपको। मैंने कहा ये कवि आपके परिवार में कोई है? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है। आपके रिलेशन में कोई? मैंने कहा नहीं है। आपके कोई फ्रेंड सर्कल? मैंने कहा कोई नहीं है। फिर कैसे ये कविता मिली आपको? मैंने कहा वो बस में मैंने एक सीन देखा था, कविता मिल गई। मैं जितनी भी कविताएं मेरी है, कल्पना हवा से कोई नहीं आई है, सब जो कुछ मैंने देखा है, महसूस किया है, सब वहीं से आई है बस। ये तो वेनेजुएला में जो बहुत बहुत तरह के अनुभव मिले, बहुत यादगार अनुभव मिले जी। क्या बात है सर। हमारे साथ आनंदा पाती जी जुड़ी हैं और बहुत खूबसूरत ओहो उन्होंने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लिखती हैं, जितनी बार सुनो नया सुनने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दमयंती शर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, भारती रैना जी लिखती हैं, कोई गजल जरूर सुना दीजिएगा। गिन्नी सहगल हमारे साथ जुड़ी हैं, ओ सुमन पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू। गिनी सहगल बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत देखिए हिंदुस्तान का नाम कहाँ से कहाँ ले जाएगी, बहुत अच्छी डांसर है, बहुत प्यारी डांसर है। हाँ, सुमन पॉल जी हमारे से जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर रही हैं आकाशवाणी से, जम्मू से हमारे से जुड़ी हैं, लिखती है वाजपेयी जी, वो है प्राउड ऑफ यू एंड यू आर एन एक्सलेंट ब्रॉडकास्टर, एक्सलेंट कमेंटेटर एंड आकाशवाणी की हिस्ट्री में आपका नाम जरूर रहेगा। सर आप पानी पी लीजिए, अगर आपका गला हो रहा है तो प्लीज आप पानी पी नहीं लीजिए। नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो जब ये भी है, जब ठीक इमोशनल मोमेंट्स आते हैं तो खांसी आ जाती जी सर मैं अभी आकाशवाणी पे आऊंगी, लेकिन भारती रैना जी ने लिखा है कि कोई गजल जरूर सुना दीजिए, आपने इतना अच्छा सुनाया जो पहले था, तो दोबारा से उन्होंने गुजारिश की है कि कोई गजल सुना दीजिए। है। जी मैं गजल तरन्नुम से सुना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मुझे बिल्कुल, वाह मालूम मेरे वाह बहुत सारे वाह प्रशंसक जो है यहाँ पे हैं, जो फरमाइश करते रहते हैं, तो मैं जी तरन्नुम सर से शेर सुना देता हूँ जी जी जी। वो गजल यूं है कि जी पानी आ गया है, बहुत शुक्रिया। छुपा छुपाए राज कितने ही, छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है,
भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, छुपाए राज कितने ही। और शेर सुनेगा, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां वाकई फौरन बताती है, वाह, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है, छुपाए राज कितने ही। और अनदा पाटनी जी अमेरिका से हैं और मेरे प्रोग्राम्स में हमेशा सबसे पहले जुड़ती हैं, सबसे पहले जुड़ने क्या वाले होते हैं। जी, ये शेर बात, बहुत सुनिएगा। शुक्रिया जी शेर सुनिएगा। जी जी। अब देखिए, आज का जो दौर है उसकी बातें भी हैं कि फिर ये है कि देखिए, ये इतनी मेरी बहुत दिन से जो सुनाई नहीं तो शेर भूलने लग गया मैं। देखिए हाँ, ये शेर सुनिएगा। चलिए, वो निकल रहा दिमाग से, ये वाला शेर सुनिएगा। देखिए, मैं हूं फिजिक्स वाला, जी बिल्कुल, साइंस साइंस वाला, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई साइंटिस्ट कभी नास्तिक नहीं हो सकता। शेर सुनेगा, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है, छुपाए क्या बात क्या बात। राज कितने ही। और शेर ये वो याद आ गया, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है, छुपाए राज कितने ही। और शेर सुनेगा, और शेर जैसे मैंने कहा, मेरे शेर हमेशा जो है ऑब्जर्वेशन से आते हैं। आप सोचिए कि एक एसएसपी ने सुसाइड किया, जैसे पूरे नगर की सुरक्षा का भार है, एक डीएम ने सुसाइड किया, एक स्पिरिचुअल लीडर जिसके लाखों चाहने वाले थे उसने सुसाइड कर लिया। ये शेर वहां से, ये शेर आया, सुनिएगा। गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूँ, जिए जाने की ठानी क्या है, बात छुपाए क्या बात। राज कितने ही। और शेर ये है, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है, छुपाए क्या बात, राज कितने ही। और देखिए, मास्को गया तो वहां से एक शेर ले आया मैं। अब वो मास्को के रेड स्क्वायर में बता रहे थे, ये फला जी की मूर्ति है, इन्होंने 1 लाख लोग मरवा दिए थे, ये फला की मूर्ति इन्होंने, तो वहां से शेर मिला। वो शेर ये है, जो सोचो तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं, जो सोचो तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं, वो कुछ वो इंसानों के लाशों में बदलने की कहानी है, क्या बात छुपाए राज कितने ही। और गजल का आखिरी शेर क्या सुनने का, वो यूं है,
ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है। छुपाए वाह, राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो, सबकी अलग अपनी कहानी कहानी बहुत है। खूबसूरत, ये बहुत लक्ष्मण, खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। नौरीन शर्मा जी लिखती है, कवि का भावुक होना एक बहुत जरूरी गुण है। प्रमिला शरद व्यास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं अद्भुत। भारती रैना जी लिखती हैं, शुक्रिया आपका। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी लिखती हैं, बहुत सुंदर। आनंदा पाटनी जी लिखती हैं, मार्मिक किंतु सत्य। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं, गजब गिनी सहगल जी लिखती हैं, शानदार। जदीप सिंह जी लिखते हैं, प्रोफेसर जदीप सिंह जी लिखते हैं, एक्सलेंट। मधु, बहुत सारे मधुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नौरीन शर्मा जी हैं ही। बहुत देश की बहुत बड़ी शायरा हैं, बहुत जी महिला काव्य मंच है पूरे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हिम्मत सिंह नेगी जी लिखते हैं, बेहद खूबसूरत। मनोज शर्मा जी लिखते हैं, बहुत खूब। सर अभी कविताओं पे मैं फिर से आऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रॉडकास्टिंग पे मैं आती हूँ। आपने आकाशवाणी में एक बड़ी पोस्ट पे आप रहे हैं और एक जाने माने ब्रॉडकास्टर तो हैं ही, कमेंटेटर आप बहुत ही कमाल के हैं। तो आपने बहुत सारे 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 से ज्यादा आपने शायद जो कमेंट्रीज की हैं, हाँ, और शायद बहुत सी 150 से ज्यादा। डेढ़ सौ ज्यादा भी हो सकता है एक सर, ज्यादा भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट और टफ जो जगहें थी आपने वहां एज ए कमेंटेटर जाके, और कमेंट्री करना बहुत मुश्किल होता है। आप क्या कहेंगे, आपके कोई कुछ खास अनुभव जो आपके इस विधा से जुड़े हों? जी, वो देखिए क्या है कि अब रेडियो में भी अब सैकड़ों लेक्चर में दे चुका हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसमें उससे, जी तो वहां जी भी मैं यही कहता हूं कि देखिए जितने हमारे रेडियो के फॉर्मेट्स हैं, करीब करीब 30-35 फॉर्मेट्स हैं रेडियो में भी। टॉक्स, इंटरव्यूज, फलाना नाटक और डॉक्यूमेंट्री और फीचर और क्या क्या वगैरह वगैरह। जी उसमें अगर सबसे कोई मुश्किल है तो वो है कमेंट्री। क्योंकि देखिए आप आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, फेडर आपके हाथ में है, तो मुझे बिल्कुल अभी खांसी आ रही है, तो वहां तो फेडर आपने ऑफ किया, खांसी कर ली, फिर फेडर चला लिया। स्क्रिप्ट आपके हाथ में, जब चाहे देख लो, बिल्कुल और कमेंट्री में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। सब जगह 26 जनवरी की कमेंट्री नहीं होती, जहां के राष्ट्रपति जी आपके बिल्कुल 10-12 फीट की दूरी पर, राष्ट्रपति जी का वो मंच होता है जिसको पूरी नगाहें पूरी दुनिया की जिस पर होती हैं, आप उससे 10-12 फीट की दूरी पर होते हो। क्या शानदार, मतलब वो वहां पे सब सुविधाएं भी होती हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसी सी जगह से कमेंट्री करनी पड़ती है जो जगह भी बड़ी अजीबोगरीब होती है, जहां पर शेड्यूल बदल जाता है, पता ही नहीं होता, आपको लिख के कुछ दिया जाता है, होने कुछ और लगता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, अनजानी होती है कि आप उनको मतलब मुश्किल हो जाता है कई दफे, मतलब स्टेज आप पहले से हम जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो सब तो करते हैं, तो भी बहुत कठिन है, क्योंकि वहां पर आप जो बोल धारा प्रवाह बोलते जाना है बिल्कुल, और रुकना तो है नहीं। अब कितनी पॉज जगह, मैं लेना शायद है। ये बातें बता भी चुका हूं, हालांकि एक आध जगह पे कई इंटरव्यूज में भी, अब जैसे मदर टेरेसा वो का जो अंतिम यात्रा थी, वो वहां जो है, मैंने जैसे मैं कमेंट्री कर रहा था तो 5 जगह से कमेंट्री होनी थी। तो मैं बड़े अरमान लेकर के गया था कि मैं दिल्ली से पहली बार शायद विमान यात्रा की थी, कि विमान से मैं जा रहा हूं कोलकाता, और ये तो अब मुझे जब बता दिया गया कि नहीं आपको तो कंट्रोल रूम में बैठना है और मॉनिटर रहेगा इसका, दूरदर्शन का, आपको मतलब संभालना है, कहीं कोई गड़बड़ हो तो फिर आप संभाल लीजिए, शुरुआत भी आप कर दीजिए, फिर जो अलग अलग जगह पे लोग हैं जैसे कोई गाड़ी के सो तोप गाड़ी के साथ चलना था, कहीं से शुरुआत होनी थी, किसी जगह उनको रुकना था, फिर जाते जाते आखिरी में जहां पर वो सारे वो जो धार्मिक कृत्य होते, रिचुअल होते हैं, वो सारा होना था। तो 5 जगह पे
अलग अलग कमेंटेटर बैठे थे, कोई एक तोप गाड़ी के साथ हमारे राजीव सक्सेना जी, बहुत अच्छे कमेंटेटर, बहुत अच्छे अनाउंसर वो थे। तो अब मुझे लगा कि मैं तो 2-3 मिनट का मैं तो इंट्रो देके मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ मैं तो अफसोस कर रहा था कि मुझे क्यों, मैं तो अब आना ही बेकार हो गया। लेकिन आप सोचिए क्या हुआ, बड़ा दिलचस्प रहा। जी अब जैसे ही वो मतलब मैंने तो इंट्रो दे दिया और छोड़ दिया, अब वहां जैसे तोप गाड़ी चली, अब वो कनेक्शन ही टूट गया, अब वो ओ कमेंट्री मेरे जिम में आ गई। तो मैं दूरदर्शन पे देख के कमेंट्री करता रहा, दूरदर्शन भी चला गया। ओ कितना अब वो तो फिल्म दिखाने मुश्किल। लग गए, वो तो फिल्म दिखाने लग गए, लेकिन रेडियो की कमेंट्री नहीं रुकी। और वो एक परसेप्शन दिमाग, क्योंकि मैं सारा का सारा एक दिन पहले वो सारे रेकी कर रखी थी कि कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ से सड़क बदलेगी। वो जो दृश्य मैंने देखे थे वहां पर एक दिन पहले उनके दर्शन के लिए, नहीं ने कैसे बिलक बिलक के मैंने, महिलाएं रो रही हैं, वो सारे दृश्य मेरे जहन में थे। तो वो कमेंट्री, 1.5 मिनट का ब्रेक आया, 2 मिनट का ब्रेक आया, कमेंट्री नहीं रुकी। क्या ईश्वर ने बात, मेरा साथ ये क्या बात। दिया कि जगह नहीं बदली, मतलब जिस रोड पे थे वहां से मुड़ना मुड़ना चले, मुड़ आते हैं, भगवान ने इतनी लाज रख ली कि वो जब कुछ दिख ही नहीं रहा, और कमेंट्री सब तरह के दृश्य आ रहे हैं कि उसने बच्चे को अपने कंधे पे ले लिया, ये कर लिया। अब वो मेरा धर्म था जो भी था। तो अच्छा, क्या लेकिन ये बात। ऐसा तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बीच जी में जी दो जी तीन बार जी हो गया। जी ब्रेक्स आ गए, फिर वो जी जो एक जगह थी जहां पर, जहां से हमारे किसी स्थानीय कमेंटेटर को कमेंट्री करनी थी, अब वो बहुत जी भावुक हो गए और वो रोने लग गए, कमेंट्री काट दी गई, लो दो आप संभालो, आप संभालो, आप संभालो, मैंने वहां पे बोला। तो कुल मिला के, अब ये लंबी कहानी हो जाएगी, कुल मिला के जो पूरी कमेंट्री लंबी चली 2 घंटे, उसमें मैंने खूब बोला, भर भर के बोला। क्योंकि एक जगह जहां रिचुअल हो रहे थे, तो जैसे गीता पाठ चल रहा है, पुराण पाठ चल रहा है, बाइबल चल रही, तो जैसे जी हमारे कमेंटेटर वहां उसी धार्मिक पाठ के बीच में ही बोलने लग गए, अरे काटो काटो काटो, ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर मैं बोलने लगा। तो कुल मिला के मैंने वो जो है बहुत अच्छी यादगार कंट्री। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए, मतलब जैसे वो, अब जैसे वो मैं बता चुका हूँ ये भी, परवेज मुशर्रफ वाली जो कमेंट्री थी, कि मैं वो एक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ने घेर लिया उनको, तो जो कमेंट्री 4 बज के मतलब मेरे पास आनी थी, जैसे मान ली 4:15 पे शुरू होनी थी, तो 10 मिनट बाहर से होनी थी, फिर हवेली जो थी नहर वाली हवेली, 4:25 से मेरे से करनी, मुझे करनी थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ जो है एक तो प्रेस वालों ने घेर लिया, फिर वो होटल कपड़े बदलने चला गया, ओ फिर तो अच्छा, फिर तब तक खबर ये मिली कि जो बाहर कमेंट्री होनी थी वो केबल कट गया भीड़ में। अब आप गॉड, ये, तो जो कमेंट्री मुझे 4:25 से शुरू करनी थी, 4:15 से शुरू करके 5 बजे तक, क्योंकि वो मैंने बताया जो सारा प्रोग्राम ही वो हो गया, और वहां भयंकर मतलब दृश्य था, क्योंकि नहर वाली हवेली छोटा सा आंगन, वहां पर उन्होंने एक धागा बांध दिया, सारा मीडिया वहां टूटा पड़ा, कोई मुझे इधर से ओ धक्का मार रहा है, कोई उधर से धक्का मार रहा है, जनरली 2 कमेंटेटर होते हैं हिंदी इंग्लिश, यहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था, छोटी सी ओह कमेंट्री थी, और मैं 50 मिनट लगातार बोलता रहा, लगातार कुछ भी बताने को नहीं है। तो पेड़ भी कमेंट्री में आ गए, पुरानी दिल्ली भी आ गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध भी आ गए, और क्या वो बात। बंटवारा भी आ गया, जो मतलब हो सकता, 50 मिनट धारा प्रवाह बोलता रहा। तब जाके तो वो पधारे श्रीमान जी, फिर उसमें होना क्या था, वो जो वहां की एक वो जिन्होंने जिसने उन्हें पाला था, उसको उन्होंने कपड़े उपड़े दिए, कुछ भाषण वगैरह भी नहीं हुआ, लेकिन इस छोटी सी कमेंट्री के लिए था। ऐसी बहुत सारी कमेंट्री, जैसे अयोध्या, अभी भगवान राम का मंदिर बन रहा है वहां पे मान लो, तो वहां कनक भवन से राम जन्म पे कमेंट्री होती है, वो भी अजीब सी कमेंट्री होती है, 1 घंटे की कमेंट्री होती है, और घटना क्या होती है उसमें, होता क्या, आंखों देखा हाल है ना, कहते हैं आंखों देखा हाल, वो आंखों देखा हाल। होता क्या है, ठीक 12 बजे दरवाजा खुलता है, मुख्य द्वार गर्भगृह खुलता है, शंख मतलब बजता है, और वो पूजा पाठ होती है, 5-10 मिनट बाद वो, इतना सा कुछ होता है, कमेंट्री चलती है 1 घंटे, और हम कहाँ बैठे होते हैं, पहले
जहां जहां पे उनको मूर्तियां तो नहीं कहते लेकिन आम लोग के समझाने के लिए मैं मूर्तियां कहता हूँ, तो जहां वो है गर्भगृह है, उसके बाद फिर एक दालान है, उसके बाद एक बड़ा सा दालान है, उसके बाद एक फुटबॉल जैसा मैदान है, उसके बाद फिर एक दालान है, उसकी पहली फ्लोर पे एक जंगला है, वहां पर हम लोग बिठा दिए जाते हैं, आधा किलोमीटर दूर, कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी दूरबीन भी नहीं होती है, और हम पर एक घंटे कमेंट्री, दो तीन कमेंटेटर जो तीन होते हैं कमेंटेटर, बोलते रहते हैं, तो तरह कितना तरह के फिल्म मुश्किल, तो कितना बोल। हाँ मुश्किल सर है ये। बहुत जगह, अब गोवा फिल्म फेस्टिवल, हमारे गोवा मुख्य फिल्म अतिथि फेस्टिवल, का विमान लेट हो गया, कमेंट्री तो उस टाइम पे शुरू हो गई, तो 40 मिनट तक यूं ही कमेंट्री चलती रही, क्योंकि उसे बताने को बहुत कुछ होता है गोवा में, खैर तो फिल्म का हम जी बताते रहे, हमारे साथ इंग्लिश वाले भी थे, तो उतना मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल बहुत सारे, और ऐसी ऐसी कमेंट्री, जैसे जब 300 साल हुए खालसा पंथ के, राष्ट्रपति भी वहीं पे, प्रधानमंत्री भी वहीं पे, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां पे, और सिख धर्म के कमेंट्री, जरा सा एक मैंने एक कुछ भी एक लाइन आप गलत बोल जाओ तो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बोल रहे हैं, ये और मुसीबत है, अगर सुखविंदर जी भी बोल रहे होते तो शायद, तो पूरा सिख धर्म जो है ना, मुझे सिख धर्म की जितनी जानकारी है शायद उतनी ही बहुत सारे सिख धर्म के जो बहुत वो लोग हैं, क्योंकि मजबूरी मेरी, वो जानकारी मैं पूरी लेना मेरी मजबूरी है, तो ये लाभ बहुत है कि कमेंट्री के बहाने से मेरे अध्ययन बहुत हो गया और ज्ञान बहुत मिल गया, बहुत ज्ञान मिला। जी जी क्या बात सर। अनंदा पत्नी जी लिखती हैं आपकी आपकी आवाज में तो शब्दों का सौंदर्य बढ़ जाता है, बहुत खूबसूरत बात ये लिखी, और लिखती हैं कि अभी सुनकर बहुत रोमांचक सा लग रहा है। और जो आपने बात कही कि 50 मिनट बिल्कुल बोलना, ये वाकई आपकी भाषा पर जो पकड़ है, जो आपके एक्सपीरियंस है, ये उन्हीं की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन पॉल जी लिखती है कि मैं आपकी कमेंट्री की बहुत बड़ी फैन हूँ, हम सभी वाजपेयी सर के फैन है, इनकी आवाज के फैन है, सर की शख्सियत के हम सभी फैन है, जो भी आकाशवाणी से जुड़े लोग हैं, जो सर को जानते हैं, हम सभी सर के फैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट्स का। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं कि लिखने के लिए बड़ा एटमोसफेयर बिल्कुल अलग सा होना चाहिए, लेकिन जैसे अगर मैं मंटो साहब की बात करूं, मंटो साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, और लिखते हैं कि मुझे लिखने के लिए, मैं जब लिख रहा होता हूँ कि मैं बच्चों को भी संभालता हूँ, मैं बाहर भी, मेरा कोई मेहमान आता है उसको भी देखता हूँ, मैं बाकी काम भी करता हूँ, मैं सब्जी वाले से सब्जी भी ले रहा होता हूँ, साथ साथ में लिख भी रहा होता हूँ, तो आपको लिखने के लिए कैसा एटमोसफेयर चाहिए? कोई मंटू जी वाला चाहिए मतलब मैंने आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी जो 99% कविताएं हैं वो पहले बन गई भीतर भीतर, मैंने सुना दी, जब मुझे लगा कि ठीक है अब, या किसी ने कुछ बताया मित्रों में आके चलता रहता है, या मुझे कुछ लगा कि अब ये इसमें थोड़ा ये अगर ऐसा हो जाए, जब वो रचना हो गई इस नाते, तब वो जी डायरी पर उतरती है, क्या बात, 99%, क्या बात, 1% क्या में वो बात, कविताएं हैं, 1% में, जैसे कि जो फ्री वर्स पोइट्री है, जो छंद मुक्त कविताएं हैं, उसका कोई जी आइडिया हमारे जहन में है, चलता रहता है वो अंदर, फिर वो जब हम बाकायदा उसको लिखते हैं, और फिर तो वहां पहले ये कागज कलम आती है, वरना गजल या गीत या जैसे कि और दोहे हैं, हाइकू है, माहिया है, वगैरह वगैरह, वो जी सब कुछ जी भीतर 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 चलता है, और अंदर अंदर एडिटिंग वेडिटिंग जो भी है सब वही हो जाती है जो बाद में वो डायरी में चीजें आती हैं, ऐसा है। और मुझे क्या वही बात, जो आप कह रहे हैं मंटो वाली बात कह रही है, मुझे भीड़, मुझे लोग, मुझे जिंदा रहने के लिए लोग चाहिए, ये लॉकडाउन में ये नहीं होता ना तो मैं मर चुका होता अकेलेपन में ही मर जाता तो मुझे लोग चाहिए, तो वो यही मतलब, तो मैं चलते फिरते, जैसे मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का कोर्स लिखा है, वो सारा, या तो मैं लंच टाइम में जब सब लोग खान पान में लग जाते थे, मैं चुपके से वो जंतर मंतर चला जाता तो वहां लॉन में बैठ के लिखा मैंने, कभी छुट्टी सैटरडे संडे हुआ तो साहित्य अकेडमी की मैंने लाइब्रेरी, और ज्यादातर मैंने लिखा उसमें से जो ट्रेन में लिखा है या होटल के कमरे, मतलब मेरा जो लिखना पढ़ना है
वो अकेले शांत बैठ के मैं नहीं लिख सकता, चलते फिरते उठते बैठते सारी चीजें बिखरी बिखरी होंगी, सब इधर उधर होगा, वो होगा। हमारी ममता किरण जी जो हैं उनको बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए, अपना अपना बिल्कुल तरीका होता है। तो मुझे तो ये मंटू वाला तरीका बहुत पसंद है, काम क्या भी चल बात रहा है, सर, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। जी क्या बात सर, क्या बात सर। मैंने कहीं आपके बारे में ये भी पढ़ा था कि, और मुझे हमने सुना भी है कि आपने जब तक आप जॉब में रहे आपने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, बहुत रेयर छुट्टियां ली हैं आपने। ऐसे कैसे हो वो ऐसे ही हुआ था, जब रिटायरमेंट होने वाला था सकता तो मुझे फोन आया कि आपका लीव रिकॉर्ड तो बड़ा अजीब है, मुझे है समझ सर? ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा कैसे समझ में आएगा, वो छुट्टी ली होती तो लीव रिकॉर्ड बनता। तो मतलब अपवाद उसमें ये है कि देखिए, जब दो अपवाद हैं, एक तो माँ जी की मृत्यु और पिताजी की मृत्यु, ये दो अपवाद है। उस अपवाद में भी मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात ये है कि मैं, अब जैसे मैं गया, जैसे पिताजी के लिए छुट्टी ले गया जब उनकी हालत बहुत खराब थी, और जी मैं नेशनल चैनल पे सारे पूरे तैयारी करके गया था, पूरे 11 दिन की सारे आइटम दे के गया था मैं नेशनल चैनल। मैंने उनके पिताजी की तबीयत सुधरने लगी और मैंने नेशनल चैनल रोजाना सुनता, मॉनिटर करता था। मैंने सोचा यहाँ तो मैं तो ये देखे आया था क्या बज रहा है। मैं तो उनकी जैसी तबीयत ठीक हुई तो मैं भाग आया, ज्वाइन कर लिया मैंने। मैं अपने माँ और पिता दोनों के अंतिम समय पे नहीं था, वो भी तो ये मतलब बात है। और जैसे कहीं मतलब अपवाद के तौर पर मैंने ऐसे कोई छुट्टी ली होगी, पूरे कोई जैसे लीव, ये LTC लेते, मैं ले ही नहीं पाया। अब वो जब एक दफे ऐसी सिचुएशन आई जब ये सारा मतलब कि वो छुट्टियां इस तरह पड़ जाती है ना कई बार, कि एक छुट्टी कैजुअल मिलाओ तो 5 दिन बन जाते हैं छुट्टा। हाँ छुट्टी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो क्योंकि बिटिया बिटिया आई हुई थी, बिटिया आई हुई थी अमेरिका से, वो मैं एक बार अंडमान निकोबार चला, तो अपवाद है। वरना ये सच बात है कि छुट्टी लेना तो छोड़ो, जब मतलब 15 अगस्त है तो 4 बजे से भागो, 26 जनवरी तो 4 बजे से बिल्कुल भागो, कोई बिल्कुल VVIP की कोई वो डेथ हो जाए तो काम में लग जाओ, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लग जाओ। तो हमारे साथ तो उल्टे उल्टा इस तरह होता रहा हमेशा। और बिल्कुल ये सर, संयोग है, मतलब पता नहीं ये कैसे होता है, थैंक्स टू ममता जी। जब भी कोई जैसे वो मैरिज सर, होती, वो ममता जी तो खुद अपने आप में एक शख्सियत हैं, इतनी एमिनेंट पोइटेस हैं, ब्रॉडकास्टर वो हैं वो। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो उनका उनका बहुत बड़ा वो योगदान है। मसलन जब कोई ओकेजन आया, मैरिज एनिवर्सरी आई, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा कि मैं नॉर्मल टाइम पे भी नहीं जा पाऊंगा घर पे। वो कुछ ना कुछ कोई कभी मतलब दूसरी जगह पर रहे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल टकरा गए, यहाँ दिल्ली में रहे तो वो प्रधानमंत्री, और कहीं कुछ जो भी है मतलब कोई VVIP बिल्कुल रिकॉर्ड, ये सब, कोई VVIP मीटिंग आ गई, कुछ हो गया, ये अजीब संयोग था। बच्चों का जन्मदिन है तो पूरे कैरियर में ना तो मैंने बच्चों का जन्मदिन मनाया ना कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाई, ये ऐसा रहा। जी, क्या बात। मीनाक्षी जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं बहुत सुंदर चर्चा। लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी की टॉप ग्रेड सिंगर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लिखती हैं ही इज अ ग्रेट पर्सन, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कोई ऐसे लेखक या कोई ऐसे कवि जिन्होंने आप पर बहुत गहरा असर डाला हो, जिनसे आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हो? जी देखिए, गहरा असर तो देखिए कविता डालती है, वो किसी की भी हो, ठीक है। जी लेकिन जी 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 फिर भी जैसे कि मतलब UPSC में जब मैं इंटरव्यू देने गया, उसके लिए मुझे पूछा गया था आपका सबसे फेवरेट कवि कौन है, तो मैंने साहिर लुधियानवी का नाम लिया, क्योंकि साहिर जो है वो भी, उनके पिताजी जमींदार थे तो घर पे जो वो माहौल था उससे वो कवि बने। जी मेरे यहाँ भी यही था कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, हालांकि बहुत दयालु, बहुत मददगार सबके थे, वो उस तरह के नहीं थे, तो भी मतलब क्या होता था, जो होती बहुत सारी चीजें गांव में, मैं बच्चा था, अब एक बड़ा आदमी जो 50 साल का आदमी मेरे पांव छू रहा है तो मुझे खुशी नहीं होती थी, मुझे विद्रोह होता था, ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मेरा एक बहुत गरीब दोस्त था तो मैं खेलते खेलते उस गरीब दोस्त के पास चला जाऊं तो वहां तो मतलब आफत कट जाती थी, वो बेचारे उसकी माँ वो सब परेशान हो जाते थे, कैसे स्वागत करे, बड़े नंबरदार बोलते थे, मतलब जमींदार, मतलब पंजाब में तो किसान को बोलते, वहां मतलब जो जी जमींदारी जी होती, प्रधान होती थी, तो
वो बड़ा मुश्किल, तो मेरा जो है वो वहां से तमाम सारी चीजें आई। तो वो शायर मुझे बहुत क्रांतिकारी कवि के नाते भी अपील करते हैं। तो इंटरव्यू में पूछा था, अच्छा आपने उनको नहीं पढ़ा फिराक साहब? मैंने पढ़ा है, सुना दीजिए। सुना दिया फिराक साहब की शायरी, सुना दी। फैज साहब को, फैज अहमद फैज की पूछा, मैंने सुना दी, उनका भी सुना दिया। पढ़ा मैंने सबको, पसंद भी करता हूँ सबके, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सबके अपने अपने फेवरेट होते हैं। दिनकर जी मेरे बहुत हमेशा बहुत से हाँ प्रभावित रहा, और हमारे साहिर लुधियानवी जी से बहुत प्रभावित रहा मैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। क्या क्या बात। सुमन पॉल जी लिखती हैं, ब्रॉडकास्टिंग की लत लग जाए तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। लवली जी। चंद्रा जी लिखती हैं, समर्पित व्यक्तित्व। सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, केम अलोंग विद सम चिल्ड्रन फॉर AIR रेजिडेंट्स एंड टुक वेरी गुड केयर ऑफ देम। थैंक यू सुधा जी। डोरीन शर्मा जी लिखती है कि काम के प्रति समर्पित होना सभी करते हैं, लेकिन आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बधाई। अनंता पत्नी जी लिखती हैं, ममता जी के धैर्य दृढ़ता की वाकई परिवार के प्रति, साहित्य के प्रति उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा सराहनीय, जज्बा सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आपने, आपको चिल्ड्रन लिटरेरी अवार्ड भी मिला है 2005 में, और आपने बच्चों के लिए, मुझे लगता है क्योंकि आपकी जो मुख्य कृतियां हैं उसमें मच्छर मामा समझ के कुछ, मच्छर एक तो मामा ये समझ है, गया, बच्चे क्या, बच्चे समझ गया कविताएं है, समझ ये बच्चों की गए। कविताएं हैं, और आपको अवार्ड भी मिला। और खुशबू तो बचा ली जाए और बेजुबान दर्द। तो सर, बाल साहित्य या बाल कविताएं जब लिखी जाती हैं तो किस तरह की चीज जहन में रखनी चाहिए? कितना अलग होता है जो हम जब कविताएं, दूसरी जिस तरह की कविताएं आप लिखते हैं और बच्चों के लिए जिस तरह से लिखते हैं, तो क्या चीजें जी जहन में होनी चाहिए? जी देखिए क्या है कि कल मैं हर बुधवार को एक पोएट्री शो करता हूं, जी उसमें बाल कविता जरूर लेता हूं। उसमें मैं एक बात बार बार कहता हूं, अब देखिए दमयंती जी ने भी बाल कविताएं मुझे उसमें के लिए भेजी, अन्नदा पाटनी जी ने हाँ भेजी है, और हाँ उसमें एक से उन्होंने ये भी बहुत लिखा, सारा। छोटू का कुछ, छोटू का कुछ आपका, आपकी कोई कविता है, छोटू का रीच या छोटू का भालू, कुछ ऐसी कोई कविता है, वो आगे स्क्रॉल ऊपर हो गया, वो उन्होंने कहा कि जरूर सुनाए, कुछ छोटू का करके कुछ है आपका एक अच्छा, कविता। तो मैं वही कह रहा था कि दूसरे जो भाषाएं हैं, जैसे बांग्ला है मान लो, तो बड़े से बड़ा जो है साहित्यकार उसने बाल साहित्य जरूर लिखा है, बाल जी कविताएं, बाल कहानियां। और जी हिंदी में जो बहुत से हमारे ज्ञानपीठ से सम्मानित हैं साहित्य अकेडमी, उन्होंने बाल कविता पे ध्यान नहीं दिया। तो उसमें अभी जो मैं कल वाले शो की बात करूं, कल होगा, तो बहुत जी सारे लोगों ने मेरी अपील के बाद बहुत सारे लोगों ने बाल कविताएं लिखी है। तो मेरे क्या साथ बात। यही रहा कि पहले मैं नहीं लिखता था, तो फिर जो है एक कोई हमारे एक अखबार के लिए परिचर्चा थे, उसमें मुझसे पूछा गया बाल कविताओं के बारे में, तो बाल साहित्य का जो दृश्य था तो मैंने भी उसमें लिखा जो परिदृश्य था। लेकिन फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि भाई तुमने भी तो नहीं लिखा बाल साहित्य? तो मैंने तब से फिर वो बाल कविताएं लिखनी शुरू की। वो फिर सिलसिला चलता गया चलता गया। बाल साहित्य में ये, बाल कविता में ये है कि आपको बच्चा बनना पड़ता है, बच्चे की ही क्या भाषा हो, बात। बच्चे का मनोविज्ञान हो, बच्चे की भावनाएं हो, तब जाकर के वो सही माने में बाल कविता बनती। बहुत कठिन, उस नाते कठिन काम है कि आप चाहे 80 साल के हो, लेकिन फिर आपको एक मासूम बच्चा बनना पड़ता है 10 साल का, क्या तो उसी बात। की तरह की भाषा हो। अब आपने वो कठिन भाषा में उस तरह लिख दिया, जो बच्चे जिस तरह बोलते चालते हैं वही भाषा भी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये वाली बात है। क्या बात। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत सिंह नेगी जी लिखते हैं, जो कविता अभी हो गई, जो एक कहा गया था, छोटी वाला शेर, छोटी वाला शेर कुछ, या छोटी वाला शेर आपकी कोई कविता, छोटू, छोटू अच्छा वाला शेर, शेर है छोटू वो, नहीं वो छोटू तो वाला मैं, शेर, अच्छा शेर वो तो एक गजल में एक शेर अच्छा आता है। गजल है, जी, गजल है, ओके ठीक। तो वो बाल कविता नहीं है, मतलब वो तो एक वो गजल में एक शेर आता है, अच्छा वो मेरी गजल है, वो भी बड़ी मशहूर गजल है कि जी, सुना हमारी दीजिए हर सर, सुना दीजिए, कहानी, सुना दीजिए। जी हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है, किसी को बात, कैसे वाह, समझाएं कि कि किसी तुमसे को कैसा कैसे नाता है। समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है। उसमें शेर है कि जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को,
अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है, वाह अगर अगर वाह, सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता सूख है। जाता है। और वाह शेर है कि लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, लिखा एक मनोविज्ञान का शेर है कि लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, तो फिर अब एक ही पल में तो लिखकर क्यों मिटाता है, तो फिर अब एक ही पल बात, में तू लिखकर क्यों लिखकर क्यों मिटाता है। मिटाता है। वाह और फिर इसमें एक ये है कि जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी वाह, से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है, वही क्या बेटा बड़ा बात, होकर सबक मुझको पढ़ाता है। और उसमें उसमें ये शेर आता है कि देखिए गजल बहुत बदल गई। एक जमाना जब मैंने शुरू किया था तो शायरों में 90% गजलें जो है वो इश्क मोहब्बत वाली होती थी, तो उसमें कोई कहीं बीच बीच में शेर भी आ जाते थे, वो दौर उस तरह का था। अभी जो चल रहा है उसमें वो 90% आम आदमी है, उसके दुख दर्द जी चिंताएं मुसीबतें सारी बोल, 10% में प्यार मोहब्बत आ जाता है, जैसे मेरे में अभी आ गया चुपके हथेली वाला शेर आ गया। तो शेर ये है, छोटू वाला शेर ये है कि ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भर का यही खर्चा चलाता है, वाह, कई घर बरसों से घर भर का भर का यही खर्चा खर्चा चलाता है। और ही। जैसे मैंने कहा था, देखिए मैं मेरी जिंदगी मीडिया में गुजरी, आप भी मीडिया से हो, हमारे भीम प्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, वो भी बिल्कुल जी, मीडिया के, बिल्कुल। तो वो शेर मेरा शेर सुनेगा कि छुपा लो लाख पर्दों में, लगा लो लाख तुम पहरे, छुपा लो, पूरा मीडिया हमारा तहस नहस भ्रष्ट हो गया, वो झूठ फैला रहा है, घृणा फैला रहा है, बर्बाद हो गया पूरी तरह से, मतलब उसको सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए था, सच्चाई को उजागर करना चाहिए था, सत्ता से आंख मिला मिला के जो है ना सच्चाई सामने रखनी चाहिए थी। लेकिन मेरा शेर सुनिएगा कि छुपा लो लाख पर्दों में, लगा लो लाख तुम पहरे, सच्चाई ऐसा कीड़ा है जो बाहर रेंग जाता है, क्या सच्चाई बात, ऐसा कीड़ा है जो बाहर रेंग छुपा जाता है है। देख जाता है बहुत और कुछ। जी इसी में एक शेर ये आता है कि खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बनाकर क्यों मिटाता है, मिटाकर क्यों बनाता है, क्या बनाकर बात, क्यों क्या मिटाता है, बात, मिटाकर क्यों बना बनाता है। और एक शेर इसमें देखिए वो अलग रंग का शेर ये आ गया सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, जो सबसे बढ़ के झूठा हो, जो सबसे बढ़ के झूठा हो वो बाजी मार जाता है, जो सबसे बढ़ के झूठा हो वो बाजी मार जाता है। और इस गजल का आखिरी शेर ये है कि वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, पता माँ बाप को भी है वो कितनी जल्दी आता है, पता माँ बाप को क्या भी वो कितनी जल्दी आता है, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। मीनाक्षी जोशी लिखती हैं एक से बढ़कर एक रोचक और महत्वपूर्ण प्रस्तुति। मधुबन जी लिखती हैं बेहतरीन अशार। सतीश आनंद जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत वाजपेयी जी। भीम प्रकाश सर लिखते हैं क्या बात है। और भीम प्रकाश सर ने जो लिखा कि आपकी शख्सियत के बहुत पहलू हैं, वाकई बहुत सारे पहलू आपकी शख्सियत के। एक बात पे मैं अब आना चाहूंगी, रंगमंच। रंगमंच से भी आपका रंगमंच जुड़ाव रहा है, उसके बारे में मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी। का तो ये हुआ कि मेरी तफाकन जो है बात हो रही थी रमा पांडे जी से, जी तो उनको एकदम से कोई फ्लैश जैसे आया, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे जो है ना मैं तलाश रही थी बहुत दिनों से, तो मुझे मुझे आपकी आवाज चाहिए। कहा मैं सोचा कुछ डबिंग अबिंग कुछ करना, मतलब वॉइस ओवर करना होगा, वो भी किया है मैंने, वो भी किया है, कमर्शियल नहीं किया वैसे बहुत किया है। तो
मैंने सोचा वो दोनों बता, नहीं नहीं वो आपको जो है नाटक में सूत्रधार बनना है। तो चूंकि सूत्रधार था तो मैं हामी भर दी मैंने, तो वो काफका का नाटक उन्होंने ही उसको जो है नॉवेल को उसको नाटक में बदला, नाटक जी रूपांतरण किया, फिर उनका ही डायरेक्शन था उसमें मैं सूत्रधार बना था। तो वो दिल्ली में तो कमानी में हुआ, श्रीराम सेंटर में हुआ, 3 शो तो करीब करीब दिल्ली में, फिर जम्मू में हुआ, जयपुर में हुआ, कई कई जगह हुआ। तो इस तरह मेरा वो रंगमंच में बायोडाटा में थोड़ा और एक लेकिन सर, एक एक कवि, एक कमेंटेटर और एक रंगकर्मी, कैसा लगा आपको? रंगमंच पे तो आप भी आ ही गए। अरे बहुत आनंद है, क्योंकि वहां भी जैसे जैसे कवि सम्मेलन है, सामने हजारों की भीड़ है और वहां आपको तुरंत रिस्पांस मिल रहा है, जो आप शेर सुनाओगे अच्छा होगा तो भाई तालियां मिलेगी, दाद मिलेगी। यहाँ भी आप बिल्कुल जो सर्कस वाला काम है ना, आप थिएटर, आपको क्या बताना, तो हर समय चैलेंज है। इसके बाद फिर वो बड़ा मतलब पूरा 3 घंटे बड़ी उससे गुजरते हैं, बहुत 2.5 घंटे कि मेरा अब कब आने वाला है, कब आने वाला, उसका क्यू क्या है, फला है। और वो एक होता ही है स्वाभाविक रूप से कि वो मतलब वो डायलॉग कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, क्या हो लेकिन जाएगा। लेकिन तो सर सर मैजिकल है थिएटर, तो रंगमंच तो मैजिकल इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये है कि मैंने जैसे मुझे रोल भी ऑफर किया गया था, फिर रमा जी ने कि नहीं आप एक जगह गैप पीरियड है तो वो आप एक रोल कर लो। मेरे साथ मुसीबत ये थी कि वो टाइम का बड़ा, कि वो रिहर्सल करना वो करना, फिर मैंने वो हाथ जोड़े और वो टाइम का बड़ा प्रॉब्लम हो जाती, रिहर्सल लगातार करना जाना वो करना। तो फिर मैं सूत्रधार का तो मुझे वो पूरा नाटक, अगर अभी अभी मान लो कहते हैं कि 1 घंटे बाद शो है, तो वो सारा करीब करीब रटा हुआ है, मैं शुरू हो जाऊंगा थोड़ा क्या बात, भारती रैना जी लिखती हैं, आज हम धन्य हो गए वाकई। हिम्मत सिंह नेगी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मधु मधुमन जी लिखती हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सादगी से आप बातें करते हैं। वाकई सर तो वाकई बहुत 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 ही कमाल की शख्सियत है। विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी अपनी विनीता दी, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी, लिखती हैं सर, नो वन इज लाइक यू, वेरी ट्रू, नो वन इज लाइक वाजपेयी सर, दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। भारती रैना जी लिखती हैं, ऑलराउंडर, वाकई सर ऑलराउंडर है। सर अब चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा परफॉर्मर है, जो ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहते हैं या लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? बात ये है कि जैसे मैंने कहा था कि मेरे यहाँ कोई कविता का उस तरह से वातावरण नहीं था। ये ठीक है जी कि मेरी माँ बहुत, वो भी बहुत मतलब वो रामचरितमानस पढ़ती थी, बहुत सारी चीजें उनको, बहुत सारी कविताएं भी आती, वो तो उसका असर था, वो एक अलग चीज है। लेकिन कोई कवि नहीं था ना, मुझे कोई जी दिशा मतलब कि कैसे क्या करते हैं क्या है, तो मैं बिल्कुल अनाड़ी उस तरह से था। जी कमेंट्री का भी यही है कि मैंने तो कल्पना नहीं की थी कि मैं कमेंटेटर बनूंगा। वो अब ये संयोग देखिए कि जब मेरे वो ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जी वाली, उसमें वो आए थे हमारे जो इतने देश के इतने महान जो है ना कमेंटेटर मेलविन डिमेलो, लेक्चर देने आए थे, जी उन्होंने कुछ एक्सरसाइज मुझे दी थी तो वो मैंने किया था। तो उन्होंने वहां भी मेरी तारीफ की, फिर वो अलग मुझे मिल गए तो मुझे अलग से उन्होंने टोका और मेरी तारीफ की। लेकिन तब मैंने, ये बात है जनवरी 1981 की, मैंने तब जी नहीं सोचा था कि आगे चल के कोई मैं कमेंटेटर बनूं। लेकिन मैं करुणा श्रीवास्तव जी, मेरी जो वहां पे सहायक केंद्र निदेशक थी नेशनल चैनल पे, ये उनकी वजह से, उमेश दीक्षित जी हमारे डायरेक्टर थे, उनका जी सबका स्नेह था, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैंने वो लोकल कमेंट्री से शुरू किया, जो 26 जनवरी पे जो जगह जगह होती, 10-12 जगह पे, फिर जी वो किसी तरह सिलसिला चला गया। और वो उस वक्त जो है मतलब ज्यादातर बाहर के ही लोग बुलाए जाते, तो जब मैं कमेंट्री में आने लगा, और जैसे वीरेंद्र मुंशी जी को या राजीव सक्सेना, दो चार लोग को बुलाते थे, वरना अब सब आउटसाइडर आते। स्टेट्समैन ने लिखा था अपने कॉलम में कि ये बहुत अकलमंदी का काम कर रही है आकाशवाणी के, अपने स्टाफ को भी मौका दे रही है। क्या लेकिन जब बात, मैं स्टेशन डायरेक्टर बना तो उसके आप भी गवाह हो, कोई भी भीम जी ने से भी कमेंट्री कराई मैंने, मैंने मुझसे भी एक कराई दर्जन सर, वाकई आपसे भी कराई, वाकई सर जो मुझसे जो अगर भी अच्छी आवाज थी वो करना चाहता था
इंग्लिश में भी हिंदी में भी एक दर्जन से ज्यादा स्टाफ वालों को मैंने वो, मतलब मैं तो कहता था वाकई कि मैं आपका बिल्कुल मिलिट्री करूँ, तो ताकि हम बिल्कुल इसमें है आकाशवाणी में तो हम वहां बाबू बन के ना रह जाए, क्लर्क बन के ना रह जाए, ब्रॉडकास्टर बने। मैंने तो स्टेशन डायरेक्टर बिल्कुल बन के, अब मैं एएसटी जब था मुझे नहीं पता जी कि इसमें कोई, मैं कोई अजूबा कर रहा था। मैं तो अपना प्रोग्राम बनाने मुझे शुरू से वहां नेशनल चैनल था तब भी बनाता था, वो भी बनाता था, मेरा असली काम ही वही। तो मुझे लोग टोकते थे कि बेटे आप ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, ये मैं पहला एएसटी देख रहा हूँ जो छह छह टेप लेके और ऊपर से नीचे ऐसे घूमता रहता है। तो क्योंकि मैं अफसर नहीं बनना चाहता था, मैं जिंदगी में अफसर कभी, मतलब ये अफसर प्रजाति से ही मुझे बड़ी तकलीफ वाह वाह है। तो मैं अफसर, ठीक है मुझे वो मजबूरन में अफसर था, लेकिन मैं जीवन भर एक मीडिया कर्मी रहा, ब्रॉडकास्टर रहा, और कभी भी आकाश सरकारी माध्यम में होते हुए भी मैंने कभी, क्योंकि हमको एआईआर कोड मिला, जो नए लोग सुने उनके लिए भी काम की चीज है, हमको एआईआर कोड पार्लियामेंट ने दिया है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, जी यस उनका हमें उल्लंघन, अगर आलोचनाएं खूब भर भर के की, लेकिन उसी मंत्रालय के जो मंत्री हैं या सचिव हैं उनसे बैलेंस भी कराया कि भाई ये आपकी आलोचनाएं, अब आप क्या कहते हो, एक तरफा नहीं होना चाहिए वो, तो ठीक है। तो मैं यही कह रहा था हमारे मित्रों के लिए जो युवा हैं, एक अगर आपके भीतर कुछ बनने की ललक है तो शॉर्टकट की तरफ मत नजर डालिए, उस चीज को, कविता में जाना है तो कविता को जानिए समझिए। बहुत सारे लोगों को मैंने सोचा भाई मैंने तो लिख दी, अब ये पता नहीं गजल है नहीं, अरे यार मजाक बना रखा है कोई, ये कोई बात है कि मैंने तो गा दिया, अब ये राग भोपाली है कि क्या, ये क्या बकवास कर रहे हैं, उसकी कोई कीमत है, उसकी कोई मतलब, वो तो सीखिए गायन में जाना, तो भाई गायन में वो आप सीखिए, जो भी मतलब एक साधना है, तपस्या है, शॉर्टकट से अगर कामयाबी मिल भी जाती है तो दूर तक नहीं जाती, कोई आपको स्टेज दे देगा कहीं, आप मतलब जैसे मैं जैसे स्टेशन डायरेक्टर मान लो रहा, आप जानते हो कि 10 तरह के लोग सम्मान देने के लिए आ जाते हैं, वो जाते हैं, वो मैं बहुत सतर्क रहा, वो मैंने कभी, क्योंकि मुझे कभी ही मरना है, तो मैंने ये नहीं कि आकाशवाणी वो है तो फिर वो, मैंने कभी वहां पे मेरे, कभी भी आपने भी देखा हो कभी एक लाइन मेरे वहां कोई ना कविता संग्रह रहता था ना कविताएं रहती थी कि मैं साइड पे स्टेट करके रखूंगी, मैं पकड़ा दूं इसको उसको, वो नहीं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग रखी। मुझसे कौन सा ऐसा गजल गायक है जिसने मुझे गजल न मांगी, कर्टसी है सामान्य सी, पे अनूप जलोटा जी से मिलेंगे, बीनाज मसानी मिली, अब मुझे भी दीजिए, अरे आप लिखते हैं तो मुझे भी दीजिए, लेकिन नहीं, वो तो मुझे लग रहा अरे ये ऐसे मैंने दी तो ये तो मैं स्टेशन डायरेक्टर के नाते वो मेरे, अगर गा भी देंगे तो इस नाते गा देंगे, तो कोई मेरी गजल है वो अपनी मेरिट से कोई गाए तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्या वही बात रहता है। तो क्या बस बात वो एक जहां भी मतलब जो भी मेरे युवा साथी हैं, एक कलाकार का जो एक जो मतलब एक जुनून भी होना चाहिए, एक जज्बा भी होना चाहिए, एक स्वाभिमान भी होना चाहिए। मैं जो आज तक मैंने सैकड़ों, गिनना मुश्किल है इतने सैकड़ों कवि सम्मेलन मुशायरे कर लिए होंगे, लेकिन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज, मुझे नहीं मतलब, पहले दिन भी किसी के बुलाने पे गया था, आज के दिन भी कहाँ, मतलब कि मैंने वो होता ना लाइन लगती कि वो लाल किले में आ जाए नंबर, इसमें नंबर लग जाए, इतनी लॉबिंग होती, इतने सिफारिशें लगती है, ये तौबा तौबा ये सब चीज। बिल्कुल तो अगर आपके पास हुनर है तो वो हुनर कभी छुपा नहीं रहेगा, आपको खुद खुद ब खुद लोग बुलाएंगे और खुद आपके लिए रास्ता बनता जाएगा। थोड़ा मन परेशान हो जाता है जब बहुत जिनको जो जो उस काबिल नहीं है और वो अपने सिफारिश उसके बल पे जब ऊंचे चढ़ जाते हैं तो तकलीफ होती है, जो जेन्यून लोग हैं, सही में लेकिन सही वो में बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते वो लोग, क्योंकि अपने जैसे आप स्टार के, जो बहुत बड़े बड़े हमारे स्टार है फिल्म स्टार, उनके बेटों की कहानी ले लीजिए, लॉन्च भले ही कर दिए गए हों लेकिन वो कितना आगे जा पाए, आगे वही गए नहीं जिसमें अपना टैलेंट था, तो बिल्कुल वही बिल्कुल वाली बात है। इसलिए बिल्कुल बस अपने टैलेंट पे, अपने जुनून पे, अपनी लगन पे, अपने समर्पण पे अगर आप कायम रहेंगे तो आपको सब कुछ, सारी उपलब्धियां ऑटोमेटिक मिलेगी, मैं तो कहता हूं स्वतः मिलेगी।
वाकई वाकई सर, प्रोफेसर जदीप सिंह जी लिखते हैं, वेरी वेल सेड, शॉर्टकट्स कट्स यू शॉर्ट, बिल्कुल सही, हिम्मत सिंह नेगी लिखते हैं, बहुत सुंदर बात। राजेंद्र निगम लिखते हैं, अति उत्तम जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सर, आप यहाँ इस मंच पर आए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। और इतनी अच्छी आपने जानकारी जो हमारे श्रोता कह रहे हैं, सर रियली रियली थैंकफुल टू यू, शुक्रिया, बहुत छोटा लव सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अब शुक्रिया इसमें जो सारा सुने 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 जो जी आपके तमाम जी सारे सवाल थे उसमें मेरा गायन छूट गया। अब अगले किसी प्रोग्राम में आऊंगा तो बतौर गायक नहीं, आऊंगा। सर नहीं, अभी हम आपसे आज गाना, नहीं, सर चलते चलते गाना जरूर सुना दीजिए हमें, प्लीज सर, चलते आज चलते गाना जरूर सुनेंगे हम, बिल्कुल सर जी सर। देखिए, अब मजे की बात यही है कि मैं तो मतलब गायन गायक बनना चाह रहा था। मजे की बात यही है। जी और मैंने मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का जो है फॉर्म मंगा लिया कि जी बीएससी के बाद मैं जाके साउंड इंजीनियर बन जाऊं, तो म्यूजिक डायरेक्टर के कांटेक्ट में रहूंगा तो गायक बन जाऊंगा। लेकिन वो किस्मत एक अलग चीज है। वो किस्मत जो है ना वो अपने तरीके से चलती है। अब आकाशवाणी जैसी जगह पर रहके और जहां इतने म्यूजिशियंस थे सब मेरे पोते थे, कभी वक्त निकालिए आशा ये वो, और कभी चले भी गए मान लो लंच वंच टाइम में कि बैठ गए तो पता चला वो मोबाइल बज गया, वो डीजी साहब बुला रहे हैं फलाती वहां पे, हो गया कल्याण। तो वो नहीं पाया। खैर तो चलिए, अब आप कह रही हैं तो बस मैं यूं ही बिल्कुल सीधे बिल्कुल सर सीधे 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 फिलहाल गुनगुना देता हूँ। जी सर मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, हवाओं में वाह लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको, कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे के आवाज देकर बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका वाह न मुझको मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता वाह बढ़ता ही आया यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया वाह मैं, यहां तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। धन्यवाद। सर कमाल सर, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, ये तो मुझे भी नहीं पता था सर, वाकई कमाल सर। चलते चलते लास्ट एक और सर, चलते चलते एक और जी। अब देखिए वो मुझे तुमने मजाक बोल दिया था, नहीं तो ट्रैक व्रैक पे गा देते। खैर वाओ एक चलिए वो एक नज्म सुन लीजिए क्योंकि वो ही आसान है, जी क्योंकि वो बिना रिदम के तो वही चल जाएगी। जी बात वाह निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, वाह लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ,
देखेंगे गुजरे हुए सालों की वाह तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो, सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना वाह उनसे, बात निकलेगी तो फिर वाह दूर तलक जाएगी। वाह वाह सर, ये नज्म गान इतनी मुश्किल नज्म है, ये सर बहुत मुश्किल नज्म है इसको गाना, और आपने इतना खूबसूरत, सर आपने म्यूजिक सीखा है नहीं, सर? कहीं नहीं कमाल सीखा। कमाल सर, कमाल, बहुत खूबसूरत। भारती राणा जी लिखती हैं जम्मू से, आखिर में तो आपने सिक्सर मार दिया। वाकई सर मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। भारती राणा जी फिर से लिखती हैं, वाह क्या बात है, सच में सर मजा आ गया। पूरे के पूरे इस शो में इतना मजा आया, पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटा हो गया, लेकिन सर इतना एंजॉय किया मैंने, मेरे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर मैं आपको, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत जी शुक्रिया। और हमारे यहाँ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हैं, और सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और कल हमारा शख्सियत का एक और अंक है, और कल हमारे साथ होंगे सुशील कुमार, रंगकर्मी है, जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, सिंगर हैं। तो कल मिलते हैं उनके साथ शख्सियत के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। और सर आपका बहुत बहुत जी बहुत आपका बहुत भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, और जो जो जुड़े रहे, जो लोग जुड़े रहे, उनका भी शुक्रिया, उनका अभिनंदन, आभार, और जिन्होंने टिप्पणियां दी वो मैं बाद में देखूंगा, और सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। सर अभी हम बैक स्टेज मिलते हैं। जी।